नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं जॉब लेटर गुरु। आज हम आपको बताने वाले राशन कार्ड को लेकर सरकार ने एक नया नियम जारी कर दिया गया है, जिनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में पात्रता नहीं रखता और जिनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है, अब उनको राशन कार्ड सरेंडर करना होगा, यानी कि उनका राशन कार्ड बंद हो जाएगा, NFSS से हटाया जाएगा। साथ ही 24 रुपए किलो गेहूं के हिसाब से रिकवरी भी की जाएगी। साथ ही आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इस माह में सबसे ज्यादा राशन कार्ड डिलीट किए गए, यानी कि राशन कार्डों को हटाया गया। लगभग 6 लाख से ज्यादा इस माह में राशन कार्डों को डिलीट किया गया है। हम पूरा डिटेल से आपको प्रूफ के साथ में दिखाने वाले हैं। राशन कार्ड एक परिवार की डिजिटल आईडी है, जो परिवार के एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत आप अपने राशन कार्ड से कहीं पर भी राशन ले सकते हैं, गेहूँ ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं। पूरे देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो गए। साथ ही आपके राशन कार्ड को आधार से लिंक भी करना होगा, क्योंकि ये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत अनिवार्य किया गया है। यदि राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ जाता है या फिर आपका राशन कार्ड BPL है, अंत्योदय है, तो आपको बहुत सारी सरकारी योजनाओं का फायदा भी मिलता है। तो ऐसे में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है, या फिर BPL है, या फिर स्टेट BPL है, या फिर अंत्योदय, उनको राशन मिल रहा है लेकिन वो पात्रता नहीं रखते। तो ऐसे में सरकार ने सख्त कदम उठा दिए गए हैं। अगर आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है, पात्रता नहीं रखते हैं, तो आपका राशन कार्ड डिलीट हो सकता है। साथियों, इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको काम आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके और इस राशन कार्ड से जुड़े हुए नए नियम को जान सके। देश भर में बात करें तो 23,72,98,918 राशन कार्ड अब तक बन चुके हैं और इन राशन कार्डों में 79,65,85,947 सदस्य जुड़े हुए हैं। साथियों, राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में भी जोड़ना बहुत ही आसान है। केवल एक फॉर्म भरकर आप ऑनलाइन अप्लाई करके राशन कार्ड को जोड़ सकते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं किनका राशन कार्ड डिलीट होगा और किनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ेगा। संपूर्ण देश में 21,57,68,000 से ज्यादा राशन कार्ड आधार से सीडिंग है, यानी कि आधार से जुड़े हुए हैं, और 73,13,78,000 से ज्यादा राशन कार्ड धारी परिवारों के आधार नंबर सीडिंग है। साथ ही 9,04,43,291 राशन कार्डों में मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं और 4,75,00,000 से ज्यादा राशन कार्डों में बैंक अकाउंट नंबर भी जुड़े हुए हैं। 16,79,56,364 से ज्यादा राशन कार्ड महिला मुखिया के नाम से है। वहीं 14,71,000 से ज्यादा ऐसे राशन कार्ड है जो पिछले 3 महीने से साइलेंट है, यानी कि बंद है। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि इस माह में कितने राशन कार्ड डिलीट किए गए हैं। बिल्कुल प्रूफ के तौर पर आप सभी यहां पर देख सकते हैं, RC डिलीटेड, यानी कि राशन कार्ड डिलीट किए गए हैं इस माह में। अंत्योदय राशन कार्ड 1,61,275 और PHS राशन कार्ड 5,94,668 राशन कार्ड, यानी कि लगभग 7 लाख के आसपास इस माह में राशन कार्डों को हटाया गया, डिलीट किया गया। इसका कारण ये है कि देश भर में ऐसे बहुत से गरीब परिवार हैं जिनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ा हुआ है लेकिन वो पात्रता भी रखते हैं, और ऐसे परिवार भी हैं जो पात्रता नहीं रखते हैं और खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए हैं या फिर अंत्योदय राशन कार्ड है। तो ऐसे में अपात्र परिवारों के राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा से हटाए जा रहे हैं या फिर पूरे राशन कार्ड ही डिलीट किए जा रहे हैं। और खाद्य सुरक्षा योजना हो या फिर अंत्योदय हो या फिर BPL स्टेट BPL, ऐसे परिवारों को राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं जो पात्रता रखते हैं। अब उन्हीं का राशन कार्ड रहेगा जो वास्तव में स्टेट BPL होते हैं या फिर BPL होते हैं, अंत्योदय होते हैं, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उन्हीं का राशन कार्ड दिया जाएगा और उन्हीं के राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाएगा, उन्हीं को सस्ता राशन दिया जाएगा। राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए 32 समावेश श्रेणियां दी गई है। वहीं हटाने के लिए 7 निष्कासन श्रेणियां भी दी गई है, यानी कि 32 ऐसी श्रेणी के परिवार जिनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ेगा और 7 ऐसी श्रेणी जिनका राशन कार्ड अगर पहले से खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है तो हटेगा, या फिर इन श्रेणी में आते हैं तो इनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ेगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से हटेगा या फिर खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ेगा। एक नंबर है ऐसे परिवार जिसका कोई भी सदस्य आयकर दाता हो, यानी कि इनकम टैक्स देने वाला अगर परिवार में कोई भी सदस्य है तो उनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है तो हटेगा, अगर जोड़ना चाहता है तो जुड़ेगा नहीं।
ऐसे परिवार जिसका कोई एक सदस्य सरकारी या फिर अर्ध सरकारी या फिर स्वायत्त शासित संस्थाओं में नियमित कर्मचारी है या फिर अधिकारी है अथवा 1,00,000 रुपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो तो उनका भी राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ेगा। 3 नंबर है ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास 4 पहिया वाहन हो तो उनका भी राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ेगा और जुड़ा हुआ है तो हटेगा। इसमें ट्रैक्टरें वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता है उनको छोड़कर अगर 4 पहिया वाहन है तो राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ेगा। वहीं 4 नंबर है ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए, अगर है तो राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ेगा। अब इसमें कृषक 2 हेक्टर से ज़्यादा अगर जमीन है तो इनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ेगा। वहीं 5 नंबर है 1,00,000 वार्षिक आय से अधिक सीमा वाले परिवार भी राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जोड़ सकते हैं। अगर किसी का राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ अगर परिवार की वार्षिक आय 1,00,000 रुपये से ज़्यादा है तो ऐसे राशन कार्डों को खाद्य सुरक्षा योजना से हटाया जाएगा, साथ ही रिकवरी भी की जाएगी। साथ ही ऐसा परिवार जिसके पास 2,000 या फिर 1,500 वर्ग फीट से अधिक स्वयं के रियायत हेतु निर्मित पक्का मकान हो तो भी राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ेगा। तो साथियों यहाँ पर 6-7 कैटेगरी दी गई है, अगर कोई भी परिवार इन कैटेगरी में आता है तो राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जोड़ सकता है। अगर जुड़ा हुआ है तो आने वाले समय में राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना से हटा देगी, साथ ही रिकवरी भी की जा सकती है। अब उन्हीं के राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ेंगे जो पात्रता रखते हैं, अब उन्हीं को सस्ता राशन दिया जाएगा। अब आप सभी ये जानना जरूर चाहेंगे कि कौन से परिवारों के राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ते हैं, तो यहाँ पर 32 कैटेगरी दी गई है। अंत्योदय परिवार, बीपीएल परिवार, स्टेट बीपीएल परिवार अन्नपूर्ण योजना के लाभार्थियों के राशन कार्ड बनते ही खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ जाते हैं। यानी कि 4 कैटेगरी ऐसी दी गई है जिनका राशन कार्ड ऑलरेडी खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है। अब हम आपको बता दें ऐसी कौन सी कैटेगरी है जिनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ता है। मुख्यमंत्री वर्जन सम्मान पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योगदान पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, मनरेगा में 2009-10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाले परिवार अपना राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वा सकते हैं। मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना, शहरी एवं कथौड़ी जनजाति परिवार, भूमिहीन कृषक, कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर, सीमांत कृषक, वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार पेंशन ले रहे हैं तो इनका भी राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ सकता है। इसके साथ आगे हम बात करें तो मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित परिवार समस्त सरकारी हॉस्टल में अंतवासी समाज कल्याण जनजाति विभाग शिक्षा विभाग अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टलर एकल महिलाएं श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक 11 नंबर कचरा बीनने वाले परिवार उत्तराखंड त्रासदी वाले परिवार साइकिल रिक्शा चालक पोर्टर यानी कि कूली कुष्ठ रोगी तथा कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जातियां जैसे बनबावरिया गाड़िया लोहार भेड़ पालक वनाधिकार पत्रधारी परंपरागत वनवासी परिवार लघु कृषक आस्था कार्डधारी परिवार आदि श्रेणी के परिवार अपने राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ सकते हैं। अगर आपको राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ना है फॉर्म डाउनलोड करना है, अगर आपके राशन कार्ड में कोई करेक्शन है ऑफलाइन वाला फॉर्म डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए ये एक खाद्य सुरक्षा अपील आवेदन दिया गया है, ये PDF में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़कर आप सस्ता राशन ले सकते हैं, साथ ही बहुत सारी सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का भी फायदा ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज आपको इस वीडियो में कुछ जानने को कुछ सीखने को मिला होगा। तो साथियों आज हमने आपको बताया कि देश भर में कितने ऐसे राशन कार्ड है जो खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए हैं, राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए कितनी कैटेगरी है और किन किन का राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ेगा। दोस्तों अपने सवाल और विचार कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। धन्यवाद।